आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आपको बता दें कि यहां पर विश्व कप 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इवन ऑस्ट्रेलिया इस बार विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। सभी टीमें लगभग अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन को भुनाने में जो है वो जुटी हुई हैं। कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर तरीके से बनाने में जुटी है। लेकिन अब तक जो शुरुआत की पांच छह टीमें देखा जाए, टॉप पांच छह टीमें देखा जाए, तो भारतीय टीम सबसे कमज़ोर नज़र आ रही है। और भारतीय टीम की जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो है भारत का मिडिल ऑर्डर। इस पूरे साल भारत का मिडिल ऑर्डर साउथ अफ्रीका दौरे के बाद से कोलैप्स हुआ है, क्योंकि टीम में बदलाव हुए और बदलाव की प्रक्रिया कुछ ऐसी चली कि अब विराट कोच शास्त्री और बाकी जो टीम मैनेजमेंट है उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारा असल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ऐसे में टीम इंडिया को दो विश्व कप जितवा चुके स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह रणजी ट्रॉफी में वापसी कर चुके हैं। युवराज सिंह ने एक छोटी सी पारी 24 रनों की जरूर खेली, लेकिन उसमें उन्होंने 88 गेंदें ली। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि दिल्ली में पंजाब ने हराया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब ने आज रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली को दिल्ली में ही 10 विकेट से रौंदा है और अपनी रणजी ट्रॉफी जीतने की उम्मीदों को कायम रखा। साथ ही युवराज सिंह की जो वो पार्टनरशिप थी मनदीप सिंह की, वो एक क्रूशियल पार्टनरशिप थी। मैन ऑफ द मैच मिलने के बाद मनदीप सिंह ने कहा भी कि युवराज सिंह के साथ जो वो पार्टनरशिप है उसने पूरा मैच जो है पलट कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या युवराज का ये प्रदर्शन या फिर जो बचे हुए दो मैच हैं उसमें अगर अच्छा प्रदर्शन होता है तो क्या युवराज को विश्व कप की टीम में जगह मिलेगी। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भारत का मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर रहा है। यहाँ पर ज़रूरत है आपको आपके स्टार खिलाड़ियों की। इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ मेरे सहयोगी काशिफ अली जो काफ़ी बारीकी से स्पोर्ट्स को देखते हैं और अपनी राय हमें देते हैं। सर सबसे पहले आपसे सवाल, युवराज सिंह यहाँ पर हम सभी को उम्मीद थी कि जैसा प्रदर्शन करेंगे, हालांकि कोई 50-100 नहीं बनाए, लेकिन जो 24 रनों की वो पारी थी क्या दर्शाती है? देखिए बिल्कुल अभिलाष, पहली बात तो इस प्रोग्राम के जरिए आप हमेशा युवराज सिंह के बारे में बात करते हैं और बिल्कुल क्यों ना करें, क्योंकि युवराज के आने से देखिए फ़र्क क्या पड़ता है जी? कि दिल्ली को दिल्ली में ही जी हारना पड़ता है। बिल्कुल, ये एक पॉजिटिविटी है, एक प्लेयर का मैजिक है। वो सिर्फ 24 रन बनाता है लेकिन एक पार्टनरशिप बिल्ड करता है और वो पार्टनरशिप उनको मैच जिता कर देती है। देखिए अभिलाष जी, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितने रन बनाते हो, महत्वपूर्ण ये है कि आपके रन टीम के काम कितने आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर उनकी 24 रन की छोटी पारी है, लेकिन फिर मैं कहूँ, कल भी मैं यही बात आपसे कर रहा था कि विकेट पर टिके हैं और ऐसे विकेट पर जहाँ पर लगातार गेंद टर्न कर रही थी और बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। अगर दिल्ली की बात करें तो पहली इनिंग में 7 रन पर सिर्फ आउट हुई पूरी, और वहाँ पर एक खड़े होकर लगातार गेंदबाज का सामना करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसका सिला भी टीम को मिला। देखिए अभिलाष जी, क्योंकि टीम ने जीत दर्ज की है और यहाँ से एक बार फिर रणजी में के मुकाबलों में वापस पंजाब आ गया, तो ये एक टीम एफर्ट है। लेकिन देखिए फिर भी एक प्लेयर का अगर इंडिविजुअल योगदान है उसको भी हम इनकार नहीं कर सकते उससे भी, और उसको भी भुला नहीं सकते। ऐसे में युवराज सिंह ने जिस तरह प्रदर्शन किया है उसके उलट जी अब हम इंडियन टीम में आते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से केएल राहुल का प्रदर्शन चल रहा है, कल जो बल्लेबाजी कोच हैं संजय बांगड़ वो कहने को मजबूर हो गए कि अब जो है केएल राहुल कोई नए बल्लेबाज नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं है। 30-31 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले भी खेल चुके हैं, यानी कि वो टीस वो दर्द, क्योंकि 3-4 रन पर कलाउट हुए, तो ये क्या दर्शा रहा है, यानी कि आपकी टेक्निक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आप कंडीशंस के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। वहीं पर अगर टीम की बाकी परफॉर्मेंस की बात करो, लगभग सारे बैट्समैन रन किए हैं। बिल्कुल, ऐसे में अगर केएल राहुल रन नहीं कर पा रहे, इवन पृथ्वी शॉ बिल्कुल एक 18-19 साल का लड़का है और वो अगर वहां पर जाकर हाफ सेंचुरी करता है, हालांकि वो कहा जाएगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो शायद नहीं खेलेंगे, लेकिन जिस तरह से साहसिक पारी उन्होंने खेली है, क्या केएल राहुल उनसे भी नहीं सीख सकते? और कोच जिस तरह का बांगड़ का बयान सामने आया संजय बांगड़ का, वो ये दर्शाता है कि शायद अब टीम को भी अब अंदर ये लगने लगा है। बिल्कुल, कहीं ये कोच रवि शास्त्री उनके बीच कोई मनमुटाव की बात तो नहीं जो बाहर निकल कर सामने आ रही है? नहीं, ये बात तो सर देखिए साफ तौर पर देखी जा सकती है कि रवि शास्त्री के जो दावे थे जी, जी। जो खोखले दावे थे कि भाई हमारी टीम जो है सबसे बेहतरीन टीम है पिछले 15-20 साल की, और उसके बाद वो सारे दावे जो है वो खारिज होते जा रहे हैं। यहाँ पर भाईजान अमन जी ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि केएल राहुल को आप लगातार मौके दे रहे हैं, आप मौके इसलिए दे रहे हैं क्योंकि केएल राहुल ने बाहर रन किए हैं। युवराज का रिकॉर्ड भारत के लिए विदेशों में काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे आप इंग्लैंड का दौरा उठा लीजिए, इंग्लैंड में युवराज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, साउथ अफ्रीका में जब भारत T20 विश्व कप जीता था तब युवराज का प्रदर्शन था, तो ICC टूर्नामेंट में तो इस खिलाड़ी का प्रदर्शन रहा है,
तो क्या युवराज सिंह को टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल अभिलाष जी, मैं आपके जब आप प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे थे तो एक बात पर मैं गौर कर रहा था कि जो खिलाड़ी दो विश्व कप आपको जिता चुका जी, और आप उसको इस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हो, और जैसे कि अभी आपने बताया कि दिल्ली की जमीन पे दिल्ली को हराना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब ऐसे में अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत, आपका जबकि मिडिल ऑर्डर जो है इस वक्त पूरा कोलैप्स हो चुका है, उस वक्त आपको ज़रूरत है एक ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी की जो आपके मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह सेट कर सके, और ऐसे में अगर आप उस खिलाड़ी को नज़रअंदाज कर देंगे या उस खिलाड़ी को इग्नोर करेंगे तो उसका नुकसान भारतीय क्रिकेट टीम को तो होगा। और बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोच जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, या फिर बार बार जो आप दोहराते हैं कि भाई टीम को बर्बाद करके रख दिया, तो मैं बार बार दर्शक भी इस बात को मानते हैं और लगातार ये सब लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं टीम को बिल्कुल जो है उस पायदान पे ले जाके खड़े करने की कोशिश की जा रही है जहां टीम के पास एक तरफ खाई होगी और एक तरफ कुआं होगा, जहां पर उनके सिवा ये नहीं होगा। अब आपके पास अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत है, आप उन खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है कि जो खिलाड़ी अच्छा खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, वो विश्व कप में खेलने का उनका तजुर्बा है, तो आप ऐसे खिलाड़ियों को टेस्ट करिए, उनको बुलाइए, और उनको साथ जो तालमेल है एक जूनियर और सीनियर का, वो तालमेल अच्छा बैठेगा तो वो दिन दूर नहीं कि हम अगला 2019 का वर्ल्ड कप हमारे पास हो। बिल्कुल, 2019 का विश्व कप जीतने के लिए आपको चैंपियन खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि अगर पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर युवराज सिंह की जब वापसी हुई थी उस दौरे पर तो भारत क्लीन स्वीप करके आया था ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। सर कहीं ना कहीं अब केएल राहुल को खिलाने की जो जिद है, यहाँ पर विराट को ले डूबी, क्योंकि अब पृथ्वी शॉ चोटिल हो गए तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ओपनिंग पेयर कौन होगा। मुरली विजय को आपने टेस्ट में ड्रॉप कर दिया था इंग्लैंड में, उसके बाद एकदम से वापसी करा दी, उसके बाद केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया पर क्या डर बनाकर उतरेंगे? देखिए पहली बात तो मुझे फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा, रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा टॉप के बैट्समैन इस समय वर्ल्ड की अगर बात करें, वर्ल्ड क्लास के बैट्समैन है, हम क्या मानक तय करते हैं कि रोहित शर्मा ओपन नहीं कर सकते टेस्ट में? क्या कोई मानक है? लगातार वो T20 में हमें देखा, वो कह चुके हैं मुझे ओपनिंग करा सकते हैं, हाँ वो खुद एग्री कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, ये शायद अंदरूनी कलह तो नहीं है जी, क्योंकि रोहित शर्मा वो प्लेयर है जो एकदम कॉम्पीट करता है विराट कोहली को, तो यानी कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर बात हो सकती है। लेकिन हमारे काशिफ भाई कह रहे थे बड़ी खूबसूरत बात कि दो वर्ल्ड कप जीता चुके हैं, लेकिन मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अंडर 19 के वर्ल्ड कप जो इंडिया टीम जीती थी उसमें भी युवराज सिंह है, यानी कि आपके लिए लकी चार में वो प्लेयर, और तीन दिन वर्ल्ड कप में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जीता चुके हैं आपको, और बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में क्लीन स्वीप इंडियन टीम ने किया, और विदेशी धरती पर जाकर क्लीन स्वीप करना जीतना ये दर्शाता है कि किस तरह का आत्मविश्वास इस प्लेयर का अंदर मौजूद है, और वही हमने देखा पंजाब और दिल्ली के मैच में भी। बिल्कुल, इस प्लेयर के आने से देख किस तरह से ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरा चेंज हो गया, और किस तरह से टीम ने जीत दर्ज की जो पिछले एक दो मैचों से नहीं कर पा रहे थे, वो एक नजर आता है कि जब आप टीम में आते हो, वापस आते हो, और जो आपके खिलाड़ी उनके सामने तालमेल बैठाते हो, तो इस तरह की जीत नजर आती है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब एक जरिया मिला है कि युवराज सिंह जरूर टीम में वापसी करें। बिल्कुल, युवराज सिंह जरूर टीम में वापसी करेंगे, सबने सही कहा। कुछ आंकड़ों से आपको हम रूबरू भी करा दें, क्योंकि युवराज सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत की हर उस टीम में रहे जिन्होंने विदेश में जीत दर्ज की है, चाहे वो 2002 का नेटवेस्ट सीरीज फाइनल हो जब युवराज और कैफ की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी, 2008 की कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जब भारत को जीत मिली थी वहाँ पर भी युवराज सिंह उस टीम में थे। विश्व कप में जैसा सर ने कहा कि युवराज सिंह वैसे भी भारत को एक लकी चार्म साबित हुए, T20 विश्व कप में हमने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो उनका उन्होंने मोमेंटम पकड़ा उसे कंटिन्यू रखा, उसके बाद 2011 विश्व कप में कैंसर होने के बावजूद ये खिलाड़ी जो है लड़ा, और वहाँ पर इन्होंने किसी को भी अंदाज़ा नहीं होने दिया कि उन्हें कैंसर है, बाद में हर खिलाड़ी ने उनकी तारीफ की थी। ऐसे खिलाड़ी को आप भाईजान 2019 विश्व कप में बाहर कर देते हो, केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म, मतलब ये तो जिद है विराट की कि वो खेल रहे हैं, क्या विराट के मन में ये आ गया कि नहीं भाई मैं सीनियर खिलाड़ियों को मौका नहीं दूँगा? बिल्कुल अभिलाष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए किसी भी खिलाड़ी के अंदर आत्मविश्वास और संतुलन, ये दो चीज़ें होना बहुत कम खिलाड़ियों में चीज़ें पाई जाती हैं, और मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों से पूरी तरह से परिपूर्ण है युवराज सिंह,
उनके अंदर आत्मविश्वास भी झलकता है और उनके अंदर वो संतुलन है कि किस तरीके से आपको पिच पे रहना है, किस तरीके से आपको दूसरी टीम पर मनोवैज्ञानिक तरीके से हावी होना है। और बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही कि किस तरीके से एक इंसान बीमारी में होने के बावजूद भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करता है, दूसरी टीम को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि ये खिलाड़ी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खिलाड़ी मैदान पर डटा रहता है। तो आप एक ऐसे आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी को मैदान से दूर रख रहे हैं, तो आखिर साबित क्या करना चाहते हो विराट कोहली की? मैं कहता हूँ ये जिद नहीं बल्कि एक अहंकार है, जो अहंकार अभी जनता खामोश है, अभी बिल्कुल जो फैंस हैं वो खामोश हैं, लेकिन अगर 2019 में अगर वर्ल्ड कप में कोई अनहोनी होती है, अगर हमारा भारत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करता है, तो उसके लिए पूरी तरीके से विराट कोहली जिम्मेदार। बिल्कुल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर अभी मौजूदा भारतीय टीम को देखा जाए, अमन जी ने मेरे साथ एक प्रोग्राम किया था, वो वीडियो आपको नेक्स्ट नाइट स्पोर्ट्स पे भी मिल जाएगा, इन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि भारतीय टीम के पास खिलाड़ी तो हैं, हरफन मौला खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन मौजूदा भारतीय टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो रोहित शिखर और विराट के बाद मैच जिताकर भारत को दे दे। ना वो दम ऋषभ पंत में दिखा है, हमने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज भी देख ली, तो कहीं ना कहीं ऐसे मैच विनर्स की आपको जरूरत है। सर क्या उम्मीद लगती है, आखिरी सवाल ले लेते हैं, तमिलनाडु के खिलाफ एक मैच बचा है, एक मैच हिमाचल के खिलाफ बचा है, दोनों बैटिंग पिचेस पर है और बैटिंग पिचेस पर युवराज सिंह खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, क्या लगता है वापसी हो पाएगी? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो जीत बड़ी महत्वपूर्ण है, जीत से आपको एक टॉनिक मिलता है जी, कि जब भी कोई आप मैच जीतते हो तो नेक्स्ट मैच के लिए आप थोड़ा इजी हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। तो युवराज की वापसी मैं कहूँगा बहुत शानदार है इस मामले में, और आने वाला जो मैच होगा बड़ा इजी होकर खेलेंगे, क्योंकि एक जो प्रेशर था युवराज सिंह वापस आ रहे, पता नहीं टीम जीतेगी नहीं जीतेगी, खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, वो प्रेशर कम से कम हटा है, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, कॉन्फिडेंट आया है, आत्मविश्वास उनके अंदर भरा है, तो जो है आने वाले मैच में जरूर नजर आएगा कि युवराज सिंह एक और बेहतरीन पारी खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल, सर ने जैसा कहा कि एक बेहतरीन पारी खेलते हुए नजर आएंगे, भाईजान जो मानक सेट किए हैं विराट कोहली ने, योयो टेस्ट जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप योयो टेस्ट पास करो, हम टीम को आप टीम में रहोगे, और साफ तौर पर अब मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से योयो टेस्ट जो है वो ज़रूरी भी हो गया है। फिटनेस युवराज की कोई परेशानी नहीं है, अपना 13 किलो वजन जो है युवराज सिंह ने कम किया है, बिल्कुल, तो लगभग सभी मानक जो है युवराज सिंह ने पूरे कर दिए हैं। अब क्या प्रदर्शन एक ऐसा आधार है ये हम सभी जानते हैं, क्या विराट कोहली मौका देंगे युवराज? नहीं देखिए बिल्कुल, मौका देना नहीं देना तो वाकई में कप्तान के हाथ में है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि विराट कोहली को उनकी क्षमताओं को समझते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनकी फिटनेस को देखते हुए, उनके प्रदर्शन को देखते हुए, खास करके हाल ही के प्रदर्शन को हम देखें, तो मुझे लगता है कि उनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा साफ तौर पर कि युवराज सिंह को मौका देना चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं कि जब भारतीय टीम का जब भी जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं एक सीनियर खिलाड़ी टीम में आया है और उसने भारतीय टीम को जीत दिलाई है, और ऐसे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में युवराज सिंह, सुरेश रैना जैसे खिलाड़ियों का नज़रअंदाज किया जाना शायद विराट कोहली और रवि शास्त्री को भारी पड़ सकता है। साफ तौर पर जैसा सर ने भी बताया, संजय बांगड़ भी कह चुके हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अब थोड़ा सा बैटिंग पर अपनी ध्यान देना पड़ेगा, विश्व कप के लिए बस 6 महीने बचे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद अमन जी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि युवराज सिंह की वापसी हो और बेहतरीन तरीके से वो वापसी करें। आपकी क्या राय है कि क्या युवराज सिंह की विश्व कप 2019 में वापसी होनी चाहिए? अपनी राय हमें ज़रूर भेजें और हम आपकी राय अपने प्रोग्राम में ज़रूर लेकर आएंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।